नमस्कार मित्रों, मैं हूं रतन सिंह और स्वागत करता हूं आपका बिग वर्ल्ड पर। सवाल नंबर एक, राज्य सूचना आयुक्त का पद किसके अस्तित्व के कारण बनाया गया है? तो इसके ऑप्शंस में ए है सूचना का अधिकार अधिनियम, बी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सी केंद्रीय सूचना आयुक्त, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए सूचना का अधिकार अधिनियम। इसका स्पष्टीकरण है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। सवाल नंबर दो, राज्य सूचना आयोग का कार्यकाल कितने समय का होता है? इसके ऑप्शंस में ए है 3 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 7 वर्ष, डी है निश्चित नहीं। इसका उत्तर है बी। स्पष्टीकरण, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के पद पर 5 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। सवाल नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य राज्य सूचना आयुक्त के बारे में सही नहीं है? इसके ऑप्शंस में ए है राज्य सूचना आयुक्त के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया जाता है, बी राज्य सूचना आयुक्त को फिर से नियुक्त किया जा सकता है, सी राज्य सरकार को राज्य सूचना आयुक्त वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है, डी राज्य सूचना आयोग का गठन एक मुख्य राज्य सूचना आयुक्त और अधिक से अधिक 10 राज्य सूचना आयुक्तों से मिलकर होता है। इसका उत्तर है बी, राज्य सूचना आयुक्त को फिर से नियुक्त किया जा सकता है। इसका स्पष्टीकरण है, राज्य सूचना आयुक्त को पद पर फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए या जब तक आयु प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वे निर्धारित है। सवाल नंबर 4, राज्य सूचना आयोग का प्रमुख और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसके ऑप्शंस में ए है राज्य का राज्यपाल, बी है भारत के राष्ट्रपति, सी है राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य का राज्यपाल, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य का राज्यपाल। इसका स्पष्टीकरण है, राज्य सूचना आयोग के प्रमुख और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति होती है, जिसमें अध्यक्ष विधानसभा में विपक्ष के नेता और एक राज्य कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। सवाल नंबर 5, राज्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है? इसके ऑप्शंस में ए है राज्य का मुख्यमंत्री, बी है मुख्य राज्य सूचना आयुक्त, सी है भारत के राष्ट्रपति, डी है राज्य का राज्यपाल। तो इसका उत्तर है डी, राज्य का राज्यपाल। और इसका स्पष्टीकरण है, राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल द्वारा कुछ परिस्थितियों में अक्षमता लाभ के 2 पद धारण करने और दिवालिया होने की स्थिति में पद से हटाया जा सकता है। सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राज्य प्रमुख और किसी अन्य राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है? इसके ऑप्शंस में है ए यदि वह दिवालिया हो गया है, बी यदि वह अपने कार्यालय के बाहर किसी अन्य नौकरी में संलग्न है, सी यदि वह राज्यपाल की दृष्टि में पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है, डी यदि वह ईश्वर को नहीं मानता है। तो इसका उत्तर है डी, यदि वह ईश्वर को नहीं मानता है। व्याख्या, ईश्वर में विश्वास व्यक्तिगत पसंद है, इसलिए यह राज्य सूचना आयुक्त और उसके प्रमुख को हटाने का उचित कारण नहीं है। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयुक्त की शक्ति और कार्य नहीं है? इसके ऑप्शंस में ए है आयुक्त किसी भी मामले में उसके पास आए मामलों में उचित आधारों पर किसी से भी पूछताछ कर सकता है, बी जांच के दौरान आयोग के पास दीवानी न्यायालय की शक्ति है, सी एक शिकायत की जांच के दौरान आयोग किसी ऐसी जानकारी की जांच नहीं कर सकता है जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के हिरासत में हो, और इसका डी है आयोग गलत अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। तो इसका उत्तर है सी, एक शिकायत की जांच के दौरान आयोग किसी भी ऐसी जानकारी की जांच नहीं कर सकता है जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के हिरासत में हो। तो इसका स्पष्टीकरण है, एक शिकायत की जांच के दौरान आयोग किसी भी जानकारी की जांच कर सकता है भले यह किसी सार्वजनिक प्राधिकरण की हिरासत में हो। सवाल नंबर 8, भारत के प्रत्येक राज्य में कितने राज्य सूचना आयुक्त हैं? इसके ऑप्शंस में ए है 10, बी है 8, सी संख्या राज्य से अलग अलग होती है। तो इसका उत्तर है सी, संख्या राज्य से अलग अलग होती है। स्पष्टीकरण है, इसका संख्या राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है, लेकिन राज्य सूचना आयुक्त 10 से अधिक राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकते। सवाल नंबर 9, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते और अन्य सेवाएं शर्तें के समान है। इसके ऑप्शंस में ए है चुनाव आयुक्त, बी है राज्य सरकार के मुख्य सचिव, सी मुख्य सूचना आयुक्त, डी है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका उत्तर है ए चुनाव आयुक्त। इसका स्पष्टीकरण है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्तों का वेतन भत्ता और अन्य सेवा शर्तें भारत के चुनाव आयुक्त के समान है। सवाल नंबर 10,
वर्तमान में भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? इसके ऑप्शंस में है श्री बिमल जुल्का, बी श्री सुधीर भार्गव, सी श्रीमती वंजा एन सरना, डी है श्री देविया प्रकाश सिन्हा। तो इसके उत्तर में है बी श्री सुधीर भार्गव। तो इसका स्पष्टीकरण है श्री सुधीर भार्गव भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। वह जून 2015 से सूचना आयुक्त के रूप में काम कर रहे हैं।